नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल। जल आज स्वतंत्रता दिवस के साथ ही रक्षाबंधन का पावन पर्व भी है। आज एक तरफ जहां सबने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया, तो दूसरी तरफ बहनों के हाथों से राखी भी बंधवाई। इस खास दिन पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आज आप अपनी बहनों को आर्थिक आजादी का तोहफा दे सकते हैं। आखिर उनके लिए आर्थिक आजादी कितनी अहम हो जाती है और कैसे एक भाई अपनी बहन को आर्थिक आजादी का तोहफा दे सकता है, और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गई हैं। हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे जुड़ गई हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया पल्लवी। तो पूजा जी, जैसा कि आज का दिन काफी खास हो जाता है, काफी अहम है, और आज हम बात कर रहे हैं बहनों के लिए आर्थिक आजादी के तोहफे की, तो सबसे पहले जरा यही समझाइए कि आर्थिक आजादी कितनी अहम हो जाती है तमाम महिलाओं के लिए। जी पल्लवी, सबसे पहले तो जी बिजनेस के सारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे आपने कहा आर्थिक आज़ादी, जैसे हम आज का दिन आज़ादी के लिए मनाते हैं, वैसे ही जब हम आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये भी उतनी ही ज़रूरी है मैं समझती हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंस हमें हर चीज़ में चाहिए। आज हमें किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ये आज का दौर है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आर्थिक आज़ादी के तरफ अपना एक गोल बनाएं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट गोल है कि हमें आगे जाके किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। चाहे आप ये सलाह आपकी किसी बहन को दें या आप आपके कोई और आने वाली जनरेशन्स को ये सलाह दें, लेकिन हमें एक चीज़ ये सीख मिली है हमारे पहली जनरेशन से कि तब जॉइंट फैमिली में लोग रहा करते थे तो डिपेंडेंसी का एक ज़माना था। एक को कई तकलीफ आती थी फाइनेंशियली, तो दूसरे हो जाते थे खड़े आपके साथ हेल्प करने के लिए। लेकिन आज ये दौर नहीं है, हमें खुद को सेल्फ डिपेंडेंट रहना है। इसके लिए इस विषय के ऊपर सबको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ होती है पल्लवी कि काफ़ी टाइम किसी की फैमिली में कोई इस तरीके की दुर्घटना होती है या कभी कोई इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद वो सीखते हैं कि अब हमें अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने फाइनेंशियल को ध्यान में रखना है। लेकिन हमें उन सब सिचुएशंस के लिए, उस दिन के लिए वेट नहीं करना है। यही हमारी हमेशा एक सलाह रहती है कि आपके जीवन में आर्थिक आज़ादी को सबसे पहला इम्पोर्टेंस दें। हमारे जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उनकी तरफ आपको पहले ही प्लान करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। हमें सारे आपके जितने भी प्लानिंग के तरफ आगे, जितने भी आपके रिटायरमेंट प्लान हैं, फिर आपके इंश्योरेंस को कंसिडर करना है, आपको हर फील्ड में आर्थिक आज़ादी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके आप कोई मुश्किल में ना पड़े। बिल्कुल, तो आर्थिक आज़ादी होनी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है जिससे कि आप तमाम मुश्किलों से निपट सके। लेकिन बड़ा सवाल पूजा जी यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार आर्थिक आज़ादी हासिल कैसे कीजिए, क्या इसके स्टेप्स होने चाहिए? जी देखिए पल्लवी, नॉर्मली जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की भी बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, जो आज़ादी है, वो एक ओवरनाइट प्रोसीजर नहीं है। आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी व्यक्ति को, कोई भी एज में क्यों ना हो, चाहे वो शुरुआती दौर में क्यों ना हो, या चाहे वो मिड अपने वर्किंग दौर में क्यों ना हो, या चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ क्यों ना हो, ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती, या इस चीज़ का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। तो आपको आपका एक फाइनेंशियल प्लान एक बनाना ज़रूरी है कि आगे जाके किस तरीके का आपको गोल है, आपका रोड मैप क्या है, आपको कब का पैसों की ज़रूरत लगने वाली है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर टू, आपके अगर कोई भी डेट्स हैं, जैसे काफ़ी टाइम हमारे जो भी होम लोन्स होते हैं, कार लोन्स होते हैं, उसे आपको 40-45 के अंदर ही ख़त्म करना है। उसको आपको 40 और 45 की एज के बाद एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद आपके बच्चों के एडुकेशन, आपके एज के हिसाब से आपको डेट्स को कम करते रहना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स हैं उसको आपको ध्यान रखना है कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट के आगे आप उसे ना बढ़ाएं। हमें लोन्स का ध्यान रखना है कि हाउस लोन, कार लोन तो चलो गुड लोन होता है, लेकिन एक बैड लोन भी कैटेगरी आ जाती है, जैसे पर्सनल लोन्स हैं, आजकल ट्रैवल लोन्स मिलते हैं, मोबाइल लोन्स मिलते हैं, ये एक
सुविधा है पल्लवी, लेकिन ये एक गलत तरीका है आपको लग्जरी लेने का, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली आपकी जो सिचुएशन है वो अगर सही नहीं है, इसके लिए शायद आप लोन्स ले रहे हैं, लेकिन लोन्स लेके आप ईएमआई ही बढ़ा रहे हैं और ये एक गलत तरीके की प्लानिंग होगी। तो इस तरीके से आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको इक्विटी में भी निवेश करना है, डेट में भी निवेश करना है, अपने गोल्स के हिसाब से प्लानिंग करनी है। इंश्योरेंस जो है वो अच्छी खासी इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपका टर्म प्लान होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए, प्रॉपर एक कंटिंजेंसी फंड होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं कहूँगी स्टेप बाय स्टेप आपको हर स्टेज में, आपकी कोई भी एज क्यों ना हो, आपको हर स्टेज में आगे आने वाले जो आपकी ज़रूरतें हैं और किस तरीके से आपको आपको सेफ करके रखना है इंश्योरेंस के हिसाब से, कंटिंजेंसी के हिसाब से, आर्थिक आज़ादी को कोई भी एज में आप हासिल कर सकते हैं, बस सही प्लानिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो आर्थिक आज़ादी को आप कभी भी हासिल कर सकते हैं एक सही प्लानिंग के साथ। और जिस तरह से पूजा जी ने बताया कि किन किन बातों का आपको खास ख्याल रखना होगा, इन तमाम चीज़ों को अगर आप दिमाग में रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आसानी से आप आर्थिक आज़ादी हासिल कर लेते हैं। लेकिन आज चूंकि मौका है रक्षाबंधन का और हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी बहनों के लिए आर्थिक आज़ादी का उन्हें एक तोहफा दे सकते हैं, तो पूजा जी, बहनों को आर्थिक आज़ादी का अगर तोहफा देना है तो क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी होंगी? जी देखिए पल्लवी, आजकल जैसे दौर बदल रहा है और जो फेस्टिवल टाइम है उसमें हम नॉर्मली इस तरीके के गिफ्ट्स का ऑप्शन रखते हैं, या जो ट्रेंड है वो इस तरीके के ट्रेंड है कि यहाँ पे लोगों को फिजूल खर्चे और फिजूल गिफ्ट्स में नहीं ज़्यादा स्पेंड करना है, लेकिन कुछ अच्छा प्रैक्टिकल और जो आज के ज़माने में काम आए इस तरीके का एक तोहफा जो यादगार भी हो, इस तरीके का तोहफा हम नॉर्मली देख रहे हैं कि रक्षाबंधन वगैरह इस फेस्टिवल्स में लोग यूज़ करते हैं। तो जो एक भाई है उसे अपनी बहन के लिए कोई तोहफा रखना है, देना है, तो जैसे बहन राखी बांधती है रक्षा करने के लिए अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, वैसे ही सामने तोहफे में भाई अपनी बहन को उनकी फाइनेंशियली रक्षा करने के लिए एक अच्छा खासा एक फाइनेंशियल गिफ्ट दे सकता है, मैं कहूँगी, जिसमें आर्थिक आज़ादी भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप चाहे ऑप्शंस में नंबर वन मैं कहूँगी, आप चाहे तो उन्हें सबसे पहले नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में ये होता है, नॉर्मली काफ़ी लोग वर्किंग है विमेन में, लेकिन अगर कोई पुराने ज़माने से हैं और वो हाउसवाइफ हैं तो उन्हें भी एक नॉलेज दें कि क्या चल रहा है, प्लस इंडिपेंडेंट रहना कितना ज़रूरी है, आगे आने वाले समय में जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तब आपको आपके ऊपर डिपेंडेंट रहना है, आपको समझना है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपके नाम पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये एक भाई अपने बहन को इस तरीके की एक नॉलेज दे, अवेयरनेस दे, ये मैं समझती हूँ नंबर वन पे आता है कि ये बातें करना भी बहुत ज़रूरी है। पहले ऐसे ट्रेंड था कि चलो महिलाएँ तो इंटरेस्ट नहीं लेंगी या उनको इन टॉपिक के बारे में समझ नहीं आएगा, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है, ऐसे मौके पर ही एक भाई को अपनी बहन को जो भी मार्केट अपडेशंस है वो देने होते हैं। तो वो एक, हम कहते हैं ना कि अगर हमको किसी ने सलाह दी कि SIP शुरू करनी है या एक पर्टिकुलर प्लान इंश्योरेंस का लेना है, तो जब आगे जाके वही प्लान काम आएगा तब आप इतना अच्छी तरीके से याद करेंगे कि मेरे भाई ने मुझे इस चीज़ की सलाह दी थी रक्षाबंधन के दिन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प है। नंबर टू, जैसे हम कहते हैं गिफ्ट्स में, तो आप एक जैसे नॉर्मली कैश गिफ्ट देते हैं, तो अभी आप कैश ना दें, अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान देना है तो या तो आप एक म्यूचुअल फंड SIP का एक उनको शुरू करने के लिए एक विकल्प दे सकते हैं। जैसे आप उनके अकाउंट में आप जो भी आपको ट्रांसफ़र करना है आप अमाउंट ट्रांसफ़र करें, फिर आपकी बहन वहाँ से SIP शुरू कर सकती है। नॉर्मली मैं समझती हूँ मोटा मोटी एक 10-15 हज़ार के आसपास की रकम मिल जाती है। अगर आपके 6-7 भाई हैं तो जिस हिसाब से ट्रेंड बढ़ता है, पहले 500 का कवर मिलता था, अब 2000 का कवर मिलता है, तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की आपकी कमाई हुई है उस दिन। तो उस हिसाब से आपको जो भी सालाना 12-15 हज़ार भी क्यों ना मिले, अगर आप वो एक मुश्त भी निवेश करते हैं और उसमें से आप STP लगाते हैं हर महीने, तो भी 1000 रुपये की SIP होती है, और उसे समझो अगर आप 10 साल के लिए रखते हैं, क्योंकि हर साल रक्षाबंधन तो आना ही है, हर साल गिफ्ट्स तो मिलने ही हैं, तो अगर एक ट्रेंड फॉलो करें ना तो आप आराम से 10 साल के अंदर एक आराम से 2.5 से 5 लाख तक की रकम जुटा सकते हैं, डिपेंडिंग आप क्या अमाउंट उसमें निवेश कर रहे हैं। तो तब जाके जब आप वो अमाउंट से कोई बड़ी गिफ्ट लेंगे, आपको कोई वेकेशन पे जाना है, कोई एक्सपेंसिव वॉच खरीदनी है, कोई ज्वेलरी खरीदनी है, तब आपको याद आएगा कि
ये मैंने हर साल की जो रक्षाबंधन की कमाई है उसे जमा करके इसमें से ये चीज ली है। तो ये एक बहुत अच्छी तरीके से स्मार्ट प्लानिंग होती है। और तीसरा मैं कहूँगी इंश्योरेंस आ जाता है पल्लवी, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ना हो या टर्म इंश्योरेंस क्यों ना हो, अगर आपकी बहन के डिपेंडेंस हैं, छोटे बच्चे हैं, वो वर्किंग है, तो उसे डेफिनेटली सलाह दें कि एक टर्म प्लान खरीदे वो। और दूसरा, अगर हेल्थ प्लान नहीं है उसके पास तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। वो एक भाई भी पे कर सकता है कोई भी इंश्योरेंस का प्रीमियम, एक थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन का फॉर्म साथ में भरना होगा, तो वो भी एक गिफ्ट कर सकता है भाई अपनी बहन के लिए। और काफ़ी ऐसे दूसरे ऑप्शंस हैं, अगर आप कैश नहीं देना चाहते हैं तो आप गिफ्ट कार्ड्स वगैरह भी दे सकते हैं। लेकिन आज से इसी समय से मैं कहूँगी इस तरीके की आप स्मार्ट गिफ्ट्स दें और अपनी बहन को इस तरीके का यादगार तोहफा दें कि उन्हें हमेशा याद रहे कि ये कोई अलग चीज़ हुई जो इतने सालों से जो प्रथा आई हुई है। नहीं तो नॉर्मली दूसरे दिन तो वो कैश इस तरीके से खर्च हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग हो तो हम ये जनरेशन को आगे फॉलो कर सकते हैं। कैश अक्सर हमने भी देखा है कि खर्च हो ही जाता है, लेकिन अगर आप एक नॉलेज का तोहफा देते हैं तो नॉलेज जो होता है वो एक सबसे बेहतरीन गिफ्ट होते हैं। और उसके अलावा जिस तरह से पूजा जी ने बताया कि कई विकल्प हैं आपके पास, आप सिप्स का तोहफा दे सकते हैं, PPF में अकाउंट में जो है वो पैसे डाल सकते हैं। और ये एक ऐसा आप तोहफा देने जा रहे हैं जो आपकी बहन को मुश्किल वक्त में जो है ज़रूर मदद करेगा। खैर, इस बीच में एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूजा जी उनके पास चलते हैं, उसके बाद जो हम अपना आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र साहनी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कहां से बोल रहे हैं आप? मैं वाराणसी से बात कर रहा हूं। जी देवेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो मेल किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या मेरे फंड सही है या मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है? जैसे मैं देख रहा हूँ कि SBI म्यूचुअल फंड में कुछ डाउन टर्न हो रहा है, मतलब वो उतना अच्छा कर नहीं पा रहा बाकी फंड्स के अपेक्षा, तो क्या मुझे उसमें स्विच करना चाहिए, चेंज करना चाहिए? और देवेंद्र जी, आपने अपने लिए कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हुए हैं क्या? यस मैम, मैंने 5 साल में अपनी सिस्टर की शादी के लिए 10 लाख का प्लान किया है, एंड 15 या 20 साल में मुझे घर के लिए चाहिए 1 करोड़। जी, तो पूजा जी, जैसा कि देवेंद्र जी ने भी बताया कि ये भी एक ऐसे ही जागरूक भाई है जो अपनी बहन के लिए एक तोहफा लेना चाहते हैं, अपनी बहन की शादी के लिए जो है ये निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि इन्होंने जिक्र किया, घर खरीदने के लिए इन्हें पैसा चाहिए, साथ ही रिटायरमेंट का भी इन्होंने लक्ष्य जो है वो हमें ईमेल के जरिए भेजा हुआ है। और ये बताते हैं कि हर साल ये निवेश में 10 से 12% तक की बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। इनके पोर्टफोलियो में जो फंड शामिल है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। SBI ब्लू चिप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, कोटेक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, L&T बिजनेस इमर्जिंग, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, और साथ में ये NPS में भी निवेश कर रहे हैं। तो आप क्या सलाह देंगे देवेंद्र जी को? जी, सबसे पहले तो देवेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी प्लानिंग कर रखी है, और आपके जो गोल्स हैं वो भी मैं देख रही हूँ काफ़ी आपने उसमें इन्फ्लेशन भी कंसिडर किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है पल्लवी, जिस हिसाब से हम हमेशा दर्शकों को कहते हैं कि इन्फ्लेशन काउंट करके गोल प्लानिंग करें, और इन्होंने यही किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगी कि बहुत अच्छी तरीके से आपकी सोच रखी है आपने आगे आने वाले गोल्स के लिए। तो आज जैसे हम रक्षाबंधन की बात करें, तो सबसे पहले आपने मेंशन किया है कि आप अपनी बहन की शादी के लिए कुछ रकम जुटाना चाहते हैं, जो 8 साल बाद आपको 1.7 लाख की रकम चाहिए। जैसे आपने 2 साल से ऑलरेडी SIP शुरू कर ली है और अब 8 ही साल हैं इस तरीके के गोल के लिए, तो आपको एडिशनल जो है 3,500 की SIP लगेगी। आपकी ऑलरेडी 7,000 की SIP चल रही है, तो उसमें से आपको 3,500 की SIP अलग से लगेगी इस गोल के लिए। जो हाउस का गोल है, आपने अराउंड 30 लाख के आसपास मेंशन किया था, अभी आपने 1 करोड़ की राशि मेंशन की है, तो ये आपको ध्यान देना है कि आपने बोला 15 या 20 साल में, तो अगर 1 करोड़ की राशि आपको 15 साल में इकट्ठा करना है तो 20,000 की SIP लगेगी, लेकिन अगर वो 20 साल के बाद अगर आपको चाहिए तो 10,000 की SIP लगेगी। महज 5 साल
बढ़ाने से SIP का अमाउंट जो लगेगा वो सीधा आधा कम हो जाता है, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देवेंद्र, जैसे इन्फ्लेशन का काउंट किया उतना ही जरूरी टाइम होराइजन का भी आपको काउंट रखना जरूरी है। और जो आखिरी गोल है रिटायरमेंट का, काफी रियलिस्टिक है, 6 करोड़ की राशि चाहते हैं आप 37 ईयर्स बाद। उसके लिए आपको जो भी SIP अमाउंट है वो मैंने काउंट नहीं किया है, क्योंकि आपने मेंशन किया आप NPS में मंथली 8,500 डाल रहे हैं। तो अगर आप ये कंटिन्यू करना चाहते हैं एडिशनल टैक्स डिडक्शन वगैरह के लिए, तो आप इसी से आपका जो गोल है वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ आपकी 7,000 की SIP है, आपको ऑलमोस्ट इसमें से डबल करना बहुत ज़रूरी है, आराम से एक 15,000 की SIP करना आपको बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो देखा जाए तो क्योंकि 2 लार्ज कैप हैं, 2 ब्लू चिप फंड्स हैं, तो आप कोई भी एक में कंटिन्यू करें, दोनों ही बेहतर हैं। SBI ब्लू चिप भी बेहतर है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप भी बेहतर है, किसी एक फंड में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोटक मल्टी कैप अच्छा है, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप अच्छा है, L&T इमर्जिंग बिजनेस एक स्मॉल कैप फंड है, एक रिस्की फंड है, शायद आप इसकी ही बारे में कह रहे होंगे कि नीचे हैं, तो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स नीचे हैं। तो अगर रिटायरमेंट प्लानिंग तरीके का अगर गोल है जिसके लिए आपको SIP रखनी है, या एक 15-20 साल का कोई गोल है, तो आप ये फंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बहन की शादी के लिए मैं कहूँगी एक लार्ज कैप या मल्टी कैप ठीक रहेगा, और एक मिड कैप मिसिंग है आपके पोर्टफोलियो में, तो आगे जैसे आप SIP अमाउंट बढ़ाएंगे तो एक मिड कैप शामिल कर लीजिएगा। एक्सिस मिड कैप फंड की मैं सलाह दूंगी जी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं देवेंद्र जी, जैसा कि पूजा जी ने आपको जो सलाह दी है उससे आप अपने तमाम लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेंगे, और पोर्टफोलियो में थोड़े बहुत जो बदलाव करने हैं वो आप ज़रूर करेंगे, जिससे कि आप अपने तमाम लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी हासिल भी कर पाएँ। खैर, फिलहाल वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी, और पूजा जी से ये ज़रूर जानेंगे कि बहनों को अगर आप कुछ म्यूचुअल फंड्स तोहफे में देना चाहते हैं तो कौन कौन से फंड्स ऐसे हैं जो आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। के बाद आप सबका स्वागत है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के खास मौके पर कैसे आप अपनी बहनों का आर्थिक आजादी का तोहफा दे सकते हैं। चर्चा में हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे जी बनी हुई हैं। तो पूजा जी, अब बात करते हैं उन फंड्स की जो एक भाई अपनी बहन को गिफ्ट कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी का लंबी अवधि का निवेश का लक्ष्य है और कुछ ऐसे टारगेट हासिल करने हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 साल के अंदर बहन की शादी करनी है, तो इस तरह के लक्ष्यों के लिए कौन से फंड्स आप रेकमेंड करेंगी? जी देखिए, जैसे हम फंड्स की बात करते हैं तो हम होराइजन की बात करते हैं, तो जैसे आपने कहा लंबे समय मतलब 10 साल के आसपास, तो डेफिनेटली एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड मैं सजेस्ट करूंगी, जिसमें म्यूचुअल फंड में आप इधर SIP रूट लें, अगर लमसम है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हर साल अगर एक लमसम अमाउंट निवेश कर रहे हैं तो उसका भी STP रूट लिया जा सकता है। तो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की मैं सलाह दूंगी लॉन्ग टर्म SIP के लिए, जिसमें आप एक मल्टी कैप फंड शामिल कर सकते हैं, एक लार्ज कैप फंड भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत है, तो ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप की मैं सलाह नहीं दूंगी। SBI ब्लू चिप है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप है, या तो फिर एक्सिस मल्टी कैप फंड है। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जो आप लंबी अवधि के लक्ष्यों के साथ जो है जोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी बहनों को ये फंड्स गिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा और बेहतरीन मौका है। लेकिन कुछ ऐसे भी लक्ष्य होते हैं पूजा जी जो मध्यम अवधि के होते हैं, 5 से 7 साल के होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहनों की हायर एजुकेशन के लिए जो है वो भाई कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहता है, तो ऐसे में अगर मध्यम अवधि के लक्ष्यों की बात की जाए तो कौन से फंड्स आप रेकमेंड करेंगी? जी देखिए, अगर आप मध्यम अवधि की बात करते हैं तो हम ज़्यादा इक्विटी पोर्शन नहीं सजेस्ट कर सकते, इसके लिए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो सही रहेगा। तो हाइब्रिड फंड जैसे हैं, जैसे SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड है, या तो फिर थोड़ा और कंजर्वेटिव है तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो इसमें कम से कम 5 साल के आसपास की अगर कोई अवधि है तो इस तरीके के फंड्स का मैं चुनाव सजेस्ट करूँगी। बिल्कुल, तो ये मध्यम अवधि के लिए जो है अगर आप फंड्स चुनना चाहते हैं तो इनमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटी अवधि का लक्ष्य है, 1-2 साल का या 3 साल का लक्ष्य है, तो उनके लिए आप कौन से फंड्स बताएंगी? जी जैसे शॉर्ट टर्म आता है तो एक 3 साल के आसपास का समय ध्यान में आता है, तो अगर टैक्स सेविंग है तो डेट फंड एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर हाई टैक्स ब्रैकेट में आती है
तो डेट फंड्स में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है। तो डेट फंड्स में आदित्य बिरला सनलाइफ का क्रेडिट रिस्क फंड, या तो HDFC क्रेडिट रिस्क फंड है, या तो फिर SBI का इक्विटी सेविंग्स फंड है, या तो फिर एक कॉरपोरेट FD भी ठीक रहेगी। अगर आप टैक्स सेविंग का आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप लो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो एक कॉरपोरेट FD या बैंक FD भी ठीक रहेगी अगर शुरुआती है तो। और अगर एक साल के अंदर की अवधि है, एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, तो कोई भी लिक्विड फंड जैसे कंटिंजेंसी फंड के लिए जो ज़रूरत है, लिक्विड फंड की मैं सलाह दूंगी, जिसमें L&T लिक्विड फंड है, आदित्य बिरला सनलाइफ सेविंग्स फंड है। तो ये ध्यान में रखना है कि एक साल के अंदर है, तो अगर आपका कंटिंजेंसी के हिसाब से आपको ज़रूरत है वो पैसों की, तो इन फंड्स में आप पार्क करें। और 1 से 3 साल का अगर आपका होराइजन है, तो या तो डेट फंड या तो फिर एक बैंक FD ठीक रहेगी। बिल्कुल, तो 1 से 3 साल के लिए या तो डेट फंड्स या बैंक FD जो है वो आप चुन सकते हैं, जैसा कि पूजा जी ने बताया। लेकिन पूजा जी, इन तमाम लक्ष्यों के बीच एक चीज़ रहती है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी के लिए आप कौन से फंड्स सुझाएंगे? और सबसे पहले ये बताइए कि इमरजेंसी फंड्स की कितनी अहमियत भी हो जाती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग ये करते हैं कि निवेश लंबे समय के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब कोई ज़िंदगी में इमरजेंसी आई तो उन्हीं लंबी अवधि के फंड्स को जो है वो तोड़कर पैसा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अपनी बहनों के लिए फंड बनाना कितना जरूरी हो जाता है भाइयों के लिए? बिल्कुल सही बात की आपने कि जब फंड्स पूरे इन्वेस्टेड रहते हैं, लॉक्ड रहते हैं, और जब इमरजेंसी आती है तब उन्हें तोड़ना पड़ता है, तब जाके बहुत दुख होता है, क्योंकि मार्केट्स तभी ऊपर हैं, नीचे हैं, इन चीज़ों का ध्यान नहीं होता है। तो कोई भी सिचुएशन में आपको चाहिए नहीं चाहिए, कोई ध्यान में चीज़ है नहीं है, आपको एक इमरजेंसी फंड साइड में रखना ही है। जो प्योर लिक्विड फंड्स आते हैं, जिसमें L&T लिक्विड या आदित्य बिरला सनलाइफ लिक्विड फंड या रिलायंस लिक्विड फंड, इन तरीके के फंड का आप चुनाव करें। और दो चीज़ हैं, एक तो आगे कोई इमरजेंसी आए तो किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, और दूसरा हम औरतें हैं भी ऐसे कि अगर सेविंग अकाउंट में पैसा है तो खर्च जल्दी हो जाता है, तो लिक्विड फंड में रहेगा तो थोड़ा अपना हाथ भी हम उस तरीके से टाइट रख सकते हैं कि उसे हम जल्दी खर्च नहीं करेंगे। तो इमरजेंसी की बहुत 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 अहमियत है। और इमरजेंसी के लिए कौन से फंड्स आप सुझाएंगी? जी, एक मैंने मेंशन किया L&T लिक्विड फंड और आदित्य बिरला सनलाइफ लिक्विड फंड, या तो रिलायंस लिक्विड फंड भी ठीक रहेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि पूजा जी ने बताया, ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनमें आप इमरजेंसी के लिए पैसा जो है वो भी निवेश करके रख सकते हैं, जिससे कि आपकी बहन की ज़िंदगी में कोई भी ऐसी ज़रूरत आए तो उसके लिए उसके पास कभी भी पैसों की कमी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि कैसे वो अपनी बहनों को इस रक्षाबंधन पर आर्थिक आज़ादी का तोहफा दे सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड की आज की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन सी बिजनेस की तरफ से हमारे तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।